हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के, तो एक्सेस के अंदर आप देख सकते हैं यहां पर एक टेबल मैंने बनाया है जिसमें आपको आईडी नजर आ रही है, ठीक है। और यहां पर नेम, स्टूडेंट नेम है और स्कोर है। अगर मैं यहां से आईडी को डिलीट भी कर देता हूं तो हमारे पास दो फील्ड बन जाएंगी, कौन कौन सी, एक स्टूडेंट नेम और दूसरा स्कोर। तो स्कोर का जो डेटा टाइप है वो मैंने यहां पे देख सकते हैं नंबर रखा हुआ है, और यहां पर स्टूडेंट नेम का जो डेटा टाइप है वो मैंने टेक्स्ट रखा हुआ है। और इसे व्यू पे जब क्लिक करते हैं और एंटर करते हैं तो इस तरीके से इसमें कुछ डेटा भी फिल किया है मैंने, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि एसक्यूएल व्यू के अंदर स्कोर के हिसाब से आउट ऑफ 100 यहां पे 67 मार्क्स राम को मिले हैं, 45 मार्क्स मिले हैं आपको अमित को मिले हैं, और सुमित को जो है 88 मार्क्स मिले हैं। इसी तरीके से और भी स्टूडेंट हैं जैसे रितेश है, तो इनको क्या मार्क्स मिले हैं, वो यहाँ पे 77 मिल गए। यहाँ पे हिना है तो इनको क्या मार्क्स मिले, तो इनको 23 मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे जावेद है तो इनको क्या मार्क्स मिले हैं, तो यहाँ पे 77 मिले हैं। यहाँ पे कुमुद एक और नाम लिख दिया हमने, तो इनको क्या मिले हैं, तो यहाँ पे 54 मिले हैं। तो ये अलग अलग स्टूडेंट्स को यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं, तो इन मार्क्स के आधार पर एसक्यूएल व्यू में ग्रेड कैलकुलेट करना है। अब ये ग्रेड एसक्यूएल व्यू नहीं होता तो बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाता, लेकिन एसक्यूएल व्यू में कैसे होगा, ये सवाल यही है। तो चलते हैं क्रिएट पर, और क्रिएट पर जाने के बाद क्वेरी डिजाइन पे आएंगे, और क्वेरी डिजाइन पे आने के बाद इसे हमें क्या करना है, क्लोज कर देना है, ठीक है, क्योंकि यहां पर हम एसक्यूएल व्यू के अंदर काम करने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पर सेलेक्ट आपको लिख लेना है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही आपको सेलेक्ट लिख लेना है, किन किन चीजों को सेलेक्ट करना है। तो दूसरी तरफ ये कैलकुलेट वाली टेबल भी मैं ओपन कर लेता हूँ, इस टेबल का नाम है कैलकुलेट, ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट नेम चाहिए और स्कोर चाहिए, तो यहां पे लिखता हूं स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, कॉमा लगाता हूं और यहां लिखता हूं SCORE स्कोर, यानी दोनों चीजें हमने लिख ली हैं। अब क्या करना है, अब यहां पर कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, तो कैलकुलेट करने के लिए हम यहां पे कॉमा देंगे और यहां पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे। कॉमा देने के बाद जैसे ही कॉमा देते हैं तो तुरंत ब्रैकेट को ओपन करिएगा, और ब्रैकेट को भी ओपन करने के पहले यहां आई इफ फॉर्मूला लगा लीजिएगा, आई इफ इस तरीके से जैसे कि मैं लगा रहा हूं, ठीक है, आई इफ लगा लिया। अब यहां पर चूंकि स्कोर ही हमें पता करना है तो यहां पे लिखिएगा स्कोर, ठीक है, स्कोर इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है, स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया हमने 85, ठीक है, 85 कर दिया तो यहां पर एस ग्रेड आ जाएगा, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे और फिर यहां पे आई इफ लगाएंगे, दोबारा से फिर आई इफ लगाएंगे। अब देखिए ये नेस्टेड फॉर्मूला कहलाता है, इस तरीके का जो होता है इसे हम नेस्टेड फॉर्मूला कहते हैं, क्या कहते हैं, नेस्टेड फॉर्मूला, ठीक है। फिर यहां आई इफ लगाया है हमने और फिर कहेंगे यहां पे स्कोर इज लेस देन इक्वल टू, फिर वही चीज कि स्कोर इज लेस देन इक्वल टू। अब क्या करेंगे, तो यहां 75 करेंगे तो इस पे ए ग्रेड आएगा, फिर यहां कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगा के आई इफ लगाएंगे और आई इफ लगा के ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहां पर अब हमें देना है अगला ग्रेड, ठीक है। तो फिर वही चीज की यहाँ पे स्कोर लिखेंगे और ये लेस देन इक्वल टू, अब इस बार क्या करते हैं 55 करते हैं, कॉमा, कौन सा ग्रेड आएगा, तो यहाँ पे आएगा बी ग्रेड, और बी के नीचे तो कोई ग्रेड ही नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पर जो है एक और ग्रेड देंगे हम बी के नीचे। फिर यहाँ लिखेंगे SCORE स्कोर इज लेस देन इक्वल टू और यहाँ कर देंगे 50, ऐसे में कौन सा ग्रेड आएगा, तो यहाँ सी ग्रेड आएगा और नहीं तो FAILED फेल्ड। लास्ट में दो कंडीशन आप दे सकते हैं, कितने ब्रैकेट्स कितने इफ लगाए गए हैं तो ये देखना होगा, तो 1, 2, 3, 4 इफ लगाए गए, तो 4 ब्रैकेट्स हमें क्लोज करने होंगे। और इन चारों को क्लोज करने के बाद, ठीक है, इन चारों को क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, इसे नाम देना है एज ग्रेड, क्या लिखेंगे, ग्रेड देंगे इसे नाम, ठीक है। तो यहां पे मैं टाइप कर देता हूं ASGRADE, यानी इस कॉलम को क्या नाम देंगे, ग्रेड नाम देंगे। और ये आएगा कहां से, तो ये आएगा फ्रॉम FROM लिखेंगे, टेबल का नाम है हमारे कैलकुलेट, तो जैसे लिखा हुआ है जिस लेटर में वैसे ही आपको लिख देना है, तो ये हो गया कैलकुलेट। तो यहां पे कैलकुलेट लिखना है आपको, कैलकुलेट जिस तरीके से मैंने लिखा है बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है। मैं इसे थोड़ा नीचे की तरफ कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखाई देगा, सारी चीजें साफ साफ नजर आएंगी, ये हो गया, ठीक है। यहां से इसे टर्मिनेट भी करना होगा, तो ये टर्मिनेशन भी दे दिया। अब क्या करना है, अब ये डिजाइन पे जाकर के और ये जो कैलकुलेट वाली टेबल है इसे पहले क्लोज कर दीजिएगा, फिर डिजाइन पे जाइएगा और यहां से रन करवाइएगा।
तो रन करवाते ही यहां पर आपको सारे ग्रेड ऑटोमेटिक शो होंगे। देखिए यहां पर ग्रेड सारे शो होने लगे, अगर 67 मार्क्स है तो बी ग्रेड, अगर 45 है तो फेल्ड, FAILED लिखा था फेल्ड, और 88 है तो एस ग्रेड सबसे ज्यादा वाला ग्रेड, अगर 77 है तो ए ग्रेड, अगर 23 मार्क्स है तो फेल्ड हो गए। यहां पे फिर चेक करते हैं क्या ये काम करेगा, तो यहां पे मोनू एक और नाम लिखता हूं और इनको मार्क्स दे देता हूं मैं 37, तो क्या है ये तो फेल्ड हो जाएंगे, तो यहां पे फेल्ड ऑटोमेटिक आ रहा है। ठीक है, यहां पे एक और नाम लिख देता हूं मैं लोकेश, लोकेश लिख दिया, और लोकेश की अगर 50 मार्क्स है तो भी तो ये फेल रहेंगे। देखिए यहां पे ग्रेड आ गया सी, यानी 50 मार्क्स है तो सी ग्रेड मिलेगा, ठीक है फेल नहीं रहेंगे सी ग्रेड मिलेगा, लेकिन यही मार्क्स अगर यहां देखिए ये लिखा है एक और नाम, और यहां पे अगर यही मार्क्स 49 हो जाए तो क्या होगा, तब तो फेल हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये होगा, और इसे आप एसक्यूएल व्यू में भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसे करना है। ओके okay?